और कानपुर से बड़ी खबर जो है, एसपी विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा एनपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। 7 साल की सजा कोर्ट ने आगजनी केस में दोषी ठहराया था और दोषी करार दिया गया था। उसके बाद देखिए अब ये सजा का ऐलान हुआ है। बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में सजा हुई है। रिजवान सोलंकी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए आगजनी केस में एसपी विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 30,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इरफान के भाई रिजवान को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। उम्मीद थी कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे यहीं से इंसाफ मिलेगा, शायद मुझे उच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। जब हम सब बेगुनाह हैं, हमारा भाई बेगुनाह है, तो हम लोग को क्यों सजा दी गई? ये 30 साल की सीट को हिलाने के लिए इस तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है उच्च न्यायालय से कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। डीजीसी क्राइम दिलीप अवस्थी जी हमारे साथ में, हमसे बात करते हैं। सर ये बताइए, इरफान केस में आज फैसला आ गया, क्या क्या फैसला आया है, क्या सजा हुई है, क्या आधार आप लोगों ने पेश किए थे? इरफान सोलंकी से जो चार अन्य अभियुक्त रिजवान शरीफ, मोहम्मद जैल आटेवाला और शौकत अली, इन सब लोगों को 7 वर्ष का अधिकतम कठोर कारावास और 30,500 रुपए के जुर्माने से आरोपित किया गया है और सभी लोगों को अगर जुर्माना नहीं जमा करते हैं तो अतिरिक्त कारावास भोगने की व्यवस्था माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में की है। और यह भी कहा है कम्बल सैनिक रूप में आदमी को उपरोक्त जुर्माने का 40% दिया जाएगा, जिसका पुनर्दास होकर पुनः बच सके, ऐसा करते हुए माननीय न्यायालय सजा के बिंदु पर आदेश पारित किया। नियोजन पक्ष ने कौन कौन से अहम सबूत, अहम गवाह कोर्ट के सामने रखे जिसके बिहार पर कोर्ट ने यह माना और उनको सजा निर्धारित की? हम सब लोगों ने पूरे 18 गवाह पेश किए माननीय न्यायालय, सारा कुछ साबित किया कि आगजनी कैसे हुई, कैसे योजना बनी और आगजनी के समय रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी मौके पर उपस्थित थे, उनके द्वारा पूरी योजना की गई थी, उन्हीं के द्वारा आगजनी की, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया गया था, पूरा लोगों ने 18 गवाह के माध्यम से साबित किया है। उसी की वजह से न्यायालय ने निर्णय अभियोजन के पक्ष में दिया है और अगर उनको लगता है तो अपील करें, अपील में हम लोग भी जाएंगे, अगर सजा कम है तो हम अधिकतम सजा के लिए अपील में जाएंगे। डीजीसी क्राइम है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सजा कम है तो वे अधिकतम सजा के लिए जाएंगे, क्योंकि आगजनी के मामले में 10 साल मिनिमम और अधिकतम उम्र कैद की सजा है। ऐसे में क्योंकि 7 साल की सजा हुई है तो उनका कहना यह है कि वो भी उच्च न्यायालय में जाएंगे और अधिकतम सजा की मांग करेंगे। ब्यूरो जनरल कमीशन के साथ श्री अंतिवारी।